Dear students, आज हम लोग क्लास थ्री में सब्जेक्ट मैथ में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर। ये मेरा पीडीएफ जो दिए हम लोग, उस पीडीएफ का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है 15, और 15 का तीन, उसमें तीन भाग में बांटा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में है राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर द फ्लोरिंग। बच्चों इसमें ऑर्डिनल नेम्स दिया हुआ है, हम लोग को ऑर्डिनल नंबर लिखना है। ऑर्डिनल नंबर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे सिक्स लिखा हुआ है, इस सिक्स का ऑर्डिनल नंबर हमको लिखना है। तो ऑर्डिनल नंबर ये सिक्स यहाँ भी क्या है, वर्ड में लिखा हुआ है सिक्स, तो इसी को नंबर में लिखना है। जिस तरह से हम लोग वर्ड से जो है नंबर में लिखते हैं, नंबर से वर्ड में लिखते हैं, सेम इसी तरह से ये वर्ड में लिखा है, तो इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे। तो सिक्स है, तो यहां हम लोग सिक्स लिखेंगे, सिक्स इस तरह से, इस प्रकार ये आंसर। सेम इसी तरह से कोई और क्वेश्चन है, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन एक और है, जैसे 12 है, जैसे टेंथ है, टेंथ है तो टेंथ लिखेंगे, इस प्रकार से जो है। इस क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम हमको तो लग रहा है कि 10 क्वेश्चन से अबव है, तो ये 10 का 10 क्वेश्चन बन जाएगा उसमें, और इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन और भी हम दे रहे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। एलजेब्रा के लिए हम लोग इसको बनाएंगे। राइट द ऑर्डिनल नेम नंबर फॉर द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग खाली बनाना है, या नंबर एलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं, इसको उसी से बनाना है। जैसे 8, इसका हम लोग को जो है ऑर्डिनल नंबर लिखना है। Seven. पहले बच्चे इसमें चार क्वेश्चन और दिए गए हैं, एक क्वेश्चन भी बना लेना है, पीडीएफ का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी बना लेना है और फिर शेयर करना है, और कब फिर हम लोग ऑनलाइन रहेंगे उसमें जो है जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन पूछिएगा, उसका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद।